कई बार रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कई बार रिलेशनशिप में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वजह से हम भी कुछ दिनों के लिए पार्टनर से दूर होने के बारे में सोचते हैं, हम भी साइलेंट होने के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश करो, अगर आप गलत सिचुएशन में साइलेंट हो जाते हो तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। हो सकता है कि आप मूव ऑन करने के लायक भी ना बचो और रिलेशनशिप को ठीक करने के लायक भी ना बचो। इसीलिए सही समय पर साइलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत समय पर अगर आप साइलेंट हो गए तो इससे आप खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। हे गाइज, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर रिलेशनशिप में कब साइलेंट हो जाना चाहिए और कब साइलेंट नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि साइलेंट होना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि रिलेशनशिप में साइलेंट होना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन गलत समय पे हमें साइलेंट नहीं होना चाहिए। साइलेंट हमें तब होना चाहिए जब हम हमारे साइड से पूरे तरीके से कोशिश करते हैं पार्टनर को समझाने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहली बात, बिना समझाए, बिना पार्टनर को एक्सप्लेन किए आपको साइलेंट नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिलेशनशिप में हमें एफर्ट्स डालने भी चाहिए। अगर हमारे एफर्ट्स की वजह से ये रिलेशनशिप बचता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमेशा पार्टनर को समझाने की कोशिश कीजिए, कुछ टाइम तक, कुछ लिमिटेशंस के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस उनके पीछे पड़ जाइए, पीछे भागते रहिए। कुछ टाइम के लिए आप एक डिसीजन ले सकते हो कि मुझे पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी है। अगर पार्टनर समझने को तैयार है नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन आपको कोशिश पूरे तरीके से करनी चाहिए ताकि जब भी आप साइलेंट हो जाओ तब भी आप साइलेंस को मेंटेन करो। तब आपके मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, पार्टनर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सही तरीके से आप एक बार कोशिश करो पार्टनर को समझाने की, अपनी बात पार्टनर के सामने रखने की। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप प्यार की भीख मांगो, उनके सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, नहीं। एक सही तरीके से समझाना एक बहुत अच्छी बात होती है। अगर वो समझने को तैयार नहीं है, अगर वो ब्लॉक कर रहे हैं, अगर वो हर जगह से इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आप साइलेंट होना चाहो या नहीं होना चाहो, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको साइलेंट होना ही पड़ता है। इसीलिए अगर वो आपको बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे हैं, समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तब आप साइलेंट हो सकते हो। यानी कि अगर आप एफर्ट्स डालने के बाद साइलेंट होते हो, अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे किस टाइप के एफर्ट्स हमें डालने चाहिए। एफर्ट्स डालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको डिस्टर्ब कर दो, आप उनको इरिटेट कर दो। सही तरीके से कम शब्दों में उनसे बात करने की कोशिश करो, उन तक पहुँचने की कोशिश करो। अलग अलग नंबर से उन तक नहीं पहुँचना है। अगर वो ब्लॉक कर दे वहीं पर रुक जाओ, दूसरे नंबर से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये जितना ज़्यादा करोगे पार्टनर आपको उतना ज़्यादा इग्नोर करेगा। एक तरीके से आपने कॉल किया, उन्होंने कॉल कट कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया, वहीं पर रुक जाओ। अलग अलग तरीके से आपको कोशिश नहीं करनी है, कोशिश तो करनी है लेकिन एक सही तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप साइलेंट होते हो तो ये आपके खुद के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपको अंदर से एक बात पता होती है कि मैं जितनी कोशिश कर सकता था उन्हें समझाने की, हो सकता है यहाँ पे आपकी कुछ गलती हुई हो सकता है पार्टनर की कुछ गलती हुई हो, जो भी बातें हैं ये बातें आप तभी उन्हें समझा सकते हो जब वो समझने के लिए तैयार है। अगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप चाहे 1000 नंबर से उन्हें कॉल करो, 1000 नंबर से उन्हें मैसेजेस करो, वो नहीं समझेंगे। इसीलिए थोड़ी कोशिश करने के बाद अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं वो सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तब आप साइलेंट हो सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार जब हम साइलेंट हो जाते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि पार्टनर हमारे बारे में अब क्या सोच रहा होगा, पार्टनर को तो यही लग रहा होगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टनर को तो यही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब हमने भी मूव ऑन कर लिया है, हमें भी इस रिलेशनशिप की कुछ पड़ी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप साइलेंट हुए हो तो कहीं ना कहीं पार्टनर ने ही आपको मजबूर किया है साइलेंट होने पे, क्योंकि आप तो एफर्ट्स डाल रहे थे, आप तो एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे थे, पार्टनर ने ही आपको मौका नहीं दिया एफर्ट्स डालने का।
तो पार्टनर की व्यू से थोड़ा सोचना बंद कर दो। इस सिचुएशन में आपको पार्टनर के नज़रिए से नहीं सोचना चाहिए। अगर आप उनके नज़रिए से सोचने लगोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए पर्सनली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी कोशिश मैं कर सकता था, जितनी कोशिश मैं कर सकती थी, उतनी कोशिश मैंने किया है या मैंने की है। अगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसमें फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। गलती खुद की भी है। अगर आप अपनी गलती मानना भी चाहते हो तो तभी मान सकते हो जब वो आपको अलाउ करे बात करने के लिए। बातचीत ही नहीं हो रही है तो ना तो आप उन्हें समझा सकते हो ना खुद समझ सकते हो। इसीलिए एक बात आप समझ जाओ कि इस सिचुएशन में साइलेंट होना ज़रूरी है। कोशिश करो सही तरीके से, कम शब्दों में उन तक पहुंचने की कोशिश करो, कम शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश करो। वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप खुद समझ जाओ कि अब आपको साइलेंट होना होगा। क्योंकि खुद के बिहेवियर पे काम करना हमेशा एक बेटर चॉइस होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे तो इससे आपका बिहेवियर ही ख़राब हो जाएगा। रोने लगोगे, उनके सामने परेशान होने लगोगे, उन्हें भी इरिटेट करोगे, खुद भी इरिटेट हो जाओगे। ये सही नहीं है। सही तरीका यूज़ करना एक बेटर चॉइस होती है। इसीलिए सबसे पहले खुद के नज़रों में गिरना बंद कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करना बंद कर दो। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारा बिहेवियर इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, हम उन्हें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी समझने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर को ही ब्लेम करते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा कुछ मत करो जिस वजह से वो भी इरिटेट होने लगे और आप भी इरिटेट होने लगो। इसीलिए चाहे सिचुएशन कोई भी हो, खुद को ज़्यादा मत गिराओ। उस इंसान के सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का, प्यार की भीख मांगने का कोई भी कभी भी मतलब नहीं होता है। ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।